इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। हेलो एंड सलाम अलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपके होस्ट मथीरा और आप लोग देख रहे हैं OMG। सो यस, OMG में आप लोग का बहुत 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 स्वागत हो, इस्तकबाल हो, इकबाल भी हो सकता है आपके ऊपर, आप क्या बनाना चाहते हो। लेकिन यहां कोई इकबाल नहीं है, यहां जो है वो है कॉमेडी के बादशाह, एक ऐसा इंसान जो इस इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने काम किया है फॉर मोर देन 40 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही एक होता है ना कि फेम आती आसानी से, रखना उसको बड़ा मुश्किल होता है, और इन्होंने तो उसको रखा भी है, संभाला भी है, और मुझे लगता है फेम और इनका काफ़ी एक अंदरूनी एक चक्कर चल रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं उन्होंने फेम को पटाया कैसे, क्या किया। सो यस, हम बुलाते हैं कॉमेडी के बादशाह को, वी वन एंड ओनली शकील सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं अभी तक ठीक हूँ, मतलब मेरे हाथ आ गया, पता नहीं क्या होता है मेरा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे हाथ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास उस तरह से हाथ होता है ना, एक वो गैबी हाथ होते हैं, गैबी हाथ, हाँ। वो जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, नजर नहीं आते हैं। हाँ, तो ये तुम्हारे भी हाथ लंबे हैं, दिखते नहीं है। खैर, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, हरे हरे, ग्रीन ग्रीन, आदमी को एवर ग्रीन रहना चाहिए। तो मैंने बोला वैसे रहूं नहीं रहूं, ग्रीन शर्ट बन के एवर ग्रीन बन जाऊं। चलो अच्छी बात है बॉस, 40 ईयर्स कैसे इस इंडस्ट्री में, ऐसे चुटकी में पता ही नहीं लगा, छोटा सा था, बिगड़ गया था तो आ गया इंडस्ट्री में। कितने बिगड़े, किसने बिगाड़ा? मतलब एक काम ऐसा था कि बस बोला, पहले शौक था गाने का। ओह रियली? हाँ हाँ, फिर मुझे लगा मेरे अपने भी कान है तो दूसरे का कान पे आजाब नहीं डालना चाहिए। वाह। तो मैंने बोला, फिर कॉमेडी की तरफ आ गया। उसके बाद पहली दफा जब हंसाया लोगों को, मुझे लगा ये काम मैं कर सकता हूँ, फर्स्ट टाइम ही हंसा दिया। क्या थी जवाब? 16 साल। उफ अल्लाह, कवारे कच्चे कले। हाँ मतलब मतलब उससे भी नीचे गए लोग। ओके, फिर घुसा तो फिर ऐसा घुसा के फिर घुसते ही चला। आप घुस गए तो ऐसे घुसे, घुस कर फटे आप, वापसी का, क्योंकि मैं शो इसको कहता हूँ अंधेरों का शहर। यस, रोशनी बहुत कम मिलती है, लोग समझते हैं रोशनी लेकिन है अंधेरों का शहर, इसमें जब आदमी जाता है गुम हो जाता है। हाँ, काफी चीजें लोगों को पता नहीं चलती क्या सही, लोग समझते हैं कि रोशनी है, शो भी रोशनी का नाम है। हाँ, वो मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूँ अपनी जिंदगी पे। हाँ, तो उसका नाम ही मैंने रखा है रोशनी में अंधेरा। ओह वाव, क्या मुझे एक बात बताओ कि इतने टाइम आपने अलग अलग एरर्स तो ऑफकोर्स बदलते हुए देखे होंगे, तो इस एरर में, नहीं नहीं, जो एक टाइम होता है शोबिज को, शोबिज, हाँ, जो एक वो वाला शोबिज था, फिर बीच वाला हुआ, और अब ये वाला है, और अभी जो आ रहा है जो अलग है, उसमें आपको क्या फर्क पता चलता है? काम में तो बहुत डिफरेंस आया, काम बहुत अच्छे होते चले गए, लोग जो है ना वो अलग हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, पहले मिल के काम करते थे, एक मोहब्बत था, एक यूनिटी थी, अब यहाँ पे हो गया सिस्टम ये कि पार्टीबाजी, लॉबी सिस्टम, ठीक है ना, ये बहुत बुरी, इस काम के लिए बहुत बुरी चीज है लॉबी सिस्टम। ओके, तो आप किसके लॉबी में हैं? मैं सबके लॉबी में हूं और किसी के लॉबी में नहीं हूं। रियली? इंडिया में काम जाकर आपको कैसे लग रहा है? हाउ वाज इट? हाउ किसी को, बहुत लोगों को कम पता होगा, आज मैं बता रहा हूं तुम्हारे शो पे कि मैं 92 में गया था इंडिया, 91 में। ओ वाओ, मैं तो फिर पैदा ही नहीं हुई थी। नहीं, मैं 92 में पैदा हुई हूं। मैं जब गया था तुम्हारी प्लानिंग हो रही थी। हां, मेरी प्लानिंग, तुम्हारा प्रोसेस जारी था। Yes. तो मैं 91 में गया था, तो उस टाइम मैंने एक फिल्म की थी वहां पे अमृतसर की, मुंडा गुआचा, और एक ड्रामा किया था मैंने जॉनी लीवर ने, बीवी किस्तों पे। बीवी, यार कितना अजीब, बीवी किस्तों। हाँ, वो उस टाइम पे बकरा किस्तों पे हिट हुआ था ना, तो बीवी किस्तों पे हमने किया था वहाँ पे इंडिया में। अगर देखा जाए ना तो मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब के बाद मैं गया था। ओह वाओ, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टेज ड्रामे, ये जो बंद हुए, थिएटर बंद नहीं हुआ, कोई चीज बंद नहीं होता, इस मुल्क में हीरोइन आके बंद हुआ, तफरी कैसे बंद होगी? हाँ, ये भी बात है, बंद नहीं हुआ असल में एक स्क्रैची को, लेकिन वो जो स्टेज होता था उस वक्त आई बिलीव अलग स्टेज होता था, अभी तो एक गुजरावे, ये वहां यहां नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये वो स्टेज बदल गया है ना बॉस। नहीं नहीं, हर जगह का अलग है सिस्टम, ये लाहौर में होता है गुजरावे, कराची का थिएटर अलग है, हर जगह का थिएटर अलग है, हर जगह का मिजाज अलग है, यहाँ पे कभी नहीं हुआ कि गुजरावे और मंजी बेच डांग फेर दे, यहाँ नहीं होता ये सब। वैसे ये गाना क्यों, लाइक आपस की बात है, मंजी बेच के डांग फेर दा, मतलब वो डांग कहते हैं नीचे से फेर दिया, मतलब कोई चप्पल अपल निकाल रहा होगा शायद,
नहीं चप्पल चले आते हैं अंदर, मतलब निकाल के चप्पल निकाले ना, तो लड़की ने गाना बना दिया। होता है गाना, देखिए अब गाना वो अच्छा है जो पब्लिक आसानी से गा ले, जो मुंह पर चढ़ गया ना बोलता ये हिट है। लेकिन बहुत सारी चीजें मुंह पर चढ़ती है जो नहीं चढ़नी चाहिए। हाँ मेकअप है जैसे, और नहीं नहीं मेकअप का तो चढ़ना चाहिए, ऑनेस्टली आपस की बात है। खैर कभी प्यार हुआ है? मेरी बदनसीबी है कि मुझे प्यार हुआ और मेरी शादी हो गई, मैं कामयाब हो गया। हाँ कामयाब हो गया, इतने बदनसीबी जो भी बैठता है वो अपनी शादी को इतनी नहीं नहीं मतलब कामयाब हो गया ना, दूसरा चांस नहीं मिला ना मतीरा। आप मुझे बताएं उमर शरीफ के बाद आपको कौन लगता है कॉमेडी किंग, कौन है नेक्स्ट? उमर शरीफ के बाद नेक्स्ट क्या क्यों होगा कोई? अल्लाह ताला हर बंदा एक ही पैदा करता है। हाँ। अल्लाह ताला ये रिपीट नहीं करता, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ओके। आँख की पुतली रिपीट नहीं करता है, जिससे आप जाते हो बाहर दुबई जाते हो तो आप पुतली से जाते हो, थंब से आप जाते हो ना, अल्लाह ताला की शान अल्लाह ताला उससे बढ़ के बनाता है। उमर शरीफ के बाद क्या, जितने भी लोग कॉमेडियन काम कर रहे हैं अपने अपने कैपेसिटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उमर शरीफ का एक अलग था मुकाम, मोइन अख्तर का एक अलग मुकाम था। सही। देखिए दुनिया में का निज़ाम चलता रहेगा, बड़े बड़े लोग खा गए ये जमीन, दुनिया रुकती नहीं है। सही बात है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको इतनी मुश्किल लगा जिसके साथ आपने काम किया वो कौन सा आर्टिस्ट था? किसी आर्टिस्ट ने आपको तंग किया है? मुझे उमर भाई मुश्किल लगते थे। Really? मतलब मुश्किल के उनके साथ काम करना तैयार रहना पड़ता था ना, वो बहुत तेज होते थे, चीता थे ना। होती है। और मैंने उनके साथ इतना काम किया, दो दो घंटा सेट पे रहा हूँ ना उनके साथ, सबसे ज्यादा मैं रहा हूँ उनके साथ सेट पे। ओके। तो मुझे बहुत एक्टिव रहना पड़ता था उनके साथ। मैं जो कुछ भी मतलब मैंने सीखा है जो कर रहा हूँ उमर भाई, अल्लाह के बाद उमर शरीफ, ठीक है, उसे मेरे बहुत सारे मेरे सारे मोहतरम जितने सीनियर हैं, शहजाद, रजा, लियाकत, सुजल, मरहूम मोइन अख्तर साहब, मोइन भाई, उमर भाई के साथ मैंने बहुत काम किया। तो अभी ये जो नई वाली जो जनरेशन आ रही है जिसे दूसरे, आजकल तो ये सोशल मीडिया पे कोई हल्की सी पैंट उतार दे तो हिट हो जाता है। क्या उतारते? पैंट हल्की से उतार के दिखा तो हिट हो जाता है। थोड़ा सा नंगा बनाया हुआ हिट, हिट होने के लिए आजकल बहुत आसान काम है। कैसे? लेकिन उस हिट पर हिट रखना बहुत अच्छे काम है, अच्छे काम को हिट करना बहुत मुश्किल होता है। Really? गंदगी तो यही हिट होती है। देखिए मशहूर होना क्राइटेरिया थोड़ी है। Okay. कि मशहूर हो तो मशहूर तो डाकू भी होते, चोर भी होते। हाँ। सुल्ताना डाकू कितना मशहूर था, अच्छे वे में मशहूर। That's true. और आपने कहा था ना, देखिए ये शो भी इस काम कैसा है कि मैंने जब काम किया ना, जब मैं मशहूर नहीं था मैं कुछ भी करता था चलता था। ओके। ठीक है, मैं मशहूर नहीं हूँ ना, जब मैं मशहूर हो गया लोगों ने मुझे इज्जत दे दी, प्यार दे दिया, इज्जत जब बन जाती है ना वो काम मुश्किल है संभालना। सही। शोबिज का असल काम क्या है कि आपको इज्जत मिल गया, अब इसको आप मेंटेन कैसे करेंगे? हाँ ये भी बात है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी ये है। जो घर तो ले लिया है। हाँ, अब घर के मेंटेनेंस नहीं होगा तो खंडर हो जाएगा। खंडर हो जाएगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। खैर अभी हम कर रहे हैं रैपिड फायर, ठीक है, कर लो। और तुम्हारे फायर से कौन बचेगा? नहीं नहीं नहीं, अखियों से गोली मारे तुम्हारे लिए बना था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्टेज शो या टीवी कॉमेडी शो? मुझे लाइव शो ज्यादा, लाइव शो, क्योंकि मैं लाइव शो की पैदावार हूँ ना। अब हम तुरंत वाले लोग हैं ना, कि अभी किया और अभी रिस्पांस दे दो भाई, नकद वाले लोग हैं। नाइस। मुंबई या कराची? दोनों। ओके। शहबाज शरीफ या मुराद अली शाह? मेरे लिए सभी बेहतर है, तीनों सब है, नवाज शरीफ भी, इमरान खान भी, सरदारी भी। अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी अगर दिलवा दो तो। Really? कैसे चोरी हुई है? अभी एक हफ्ता पहले चोरी हुई है, मेरे घर के पास से चोरी हुई है। घर के पास से? और ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ गवर्नमेंट सिंध को, सर अगर मेरी गाड़ी नहीं मिली तो मेरे दो फैसले होंगे अब ये, कि या तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा या फिर कोई दूसरा कदम उठाऊंगा जो बहुत शायद अजीब ही हो। Okay. और मेरे साथ तीन वाक्यात हो चुके हैं, दो वाक्यात तो मैं भूल गया, वो मैंने खुद ही कर लिया था कि कराची में रह के जिस शहर को मैंने बहुत हंसाया, बहुत खुशियाँ दी, तो मैंने जहाँ जहाँ गया अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, कि एक दफ़ा तो मेरे बच्चे के कनपटे में गन रख के मेरी बीवी साहब ने चलो छीन लिया, स्नैचिंग कर ली, कोई बात नहीं, उसके बाद मेरी ज़मीन पर कब्जा हुआ वो मैंने छुड़ा लिया, तीसरी दफ़ा गाड़ी गई है मेरी, तो ये जहन में रखिएगा मैं बहुत गलत स्टेप उठा लूँगा। नो नो नो, दिस इज सीरियस। लाइक घर के पास कैसे चोरी हो सकती है? आपके पास सीसीटीवी, वो आपने लगाया? इत्तेफाक से वो, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस कोशिश कर रही है और मैं नासिर शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उनसे मेरी बात होती रहती है, वो कह रहे इंशाल्लाह मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हम भी दुआ करते हैं आपकी गाड़ी जल्दी जल्दी मिल जाए, क्योंकि आर्टिस्ट आप कितने मुश्किल से कमाते हैं। ऑनेस्टली लोगों को लगता है हम पैसों पर बैठते हैं और जहाँ हम जाते हैं हमें पैसे मिलती है, हमसे पूछो कितने टाइम बाद पेमेंट्स निकलती है। किसी भी की जगह पर आप किसी का पैसा खाओगे वो आपको तो हिसाब किताब, इंसान क्या है
मेरी नज़र में इंसान एक वीडियो गेम है। मरने के बाद जब कब्र में जाएगा ना, 2 महीने बाद वीडियो गेम बन जाएगा। आंख से कीड़ा निकल के मुंह से जा रहा होगा, मुंह से निकल के कान से जा रहा होगा। ओके, दैट्स अ वेरी सैड थिंग। रऊफ लाला या सिकंदर सनम? दोनों ही। सलमान खान या शाहरुख खान? दोनों ही। ओके जी, सर्दी या गर्मी? हल्की गुलाबी सर्दी। ओके, मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ किसी आर्टिस्ट ने आपको एटीट्यूड दिखाया? बहुत सारों ने दिखाया। नहीं, कोई एक वाक्य, लाइक नाम नहीं बताना, लेकिन वाक्य बता दो, क्या आपने बोला यार ये क्या है, ये क्यों है? ऐसे बहुत सारे देखे हैं सरिये वाले मैंने। तो आप कोई एक नाम बताऊंगा? नहीं, नाम नहीं बता, वाक्य बता दे। वो जैसे महफिल में मैं अच्छे से अगर मिलूं, भाई मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी, मतलब अच्छे से मिल रहा हूँ, तो वो उसको लगा कि शायद मैं उससे खुदा ना खास्ता उसके मशहूर होने से वजह से मिल रहा हूँ, या बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। ये बताएं, तीली कैसे नाम पड़ा, किसको आपने आग लगाई? मैंने आग लगाई, तीली निकाली। मैं तीली जैसा था, पतला पतला। वो ड्रामा था ना बकरा किस्तों पे, ये नाम उसमें कुछ और था मेरा। क्या था वो? पाकोला नाम रखा था उन्होंने। पाकोला, वो नौकर का नाम था, पाकोला रखा था पनीर सा रखने के लिए। तो इस्माइल तारा साहब जो है हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट तारा भाई, छोड़ो तेरा नाम तीली है इस ड्रामे में, तो ड्रामा उमर भाई का नाम तारा भाई ने रखा था। उसके बाद लोगों ने आपको तीली 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 तीली, तीली, तीली। आज भी बोलते, कभी कई लोग तीली बोलते हैं। तो उसके बाद मेरा नाम पड़ गया इंडिया में सियाणा शकील। सियाणा क्यों, आप कहाँ से सियाणे हैं? वही तो मैंने कहा, मैं तो इतना मासूम हूँ, मेरे तो खानदान में मौतें मासूमियत की वजह से हुई है। ऐसे कैसे? दादा सिगरेट पी रहे थे, गटर में बुझाने गए, वापिस ही नहीं आए। नाना थे, उनको भूल नहीं गया था, 2 घंटा सांस नहीं लिया, मर गए। हमारे यहाँ तो भूलने की वजह से, हम लोग तो मासूम लोग हैं, हम सब मासूम हैं, मैं भी बड़ी मासूम हूं। आज तक खाना, तुम तो खाने को अप्पा कहती हो, पानी को मम कहती हो। हाँ, बिल्कुल। मेरे यहाँ मोहल्ले में भी तुम्हारी जैसी मासूम रहती है, 12 बच्चे हैं, काहे की मासूम है वो? मेरे 12 बच्चे नहीं, तुम्हारे नहीं है, उसके तो है ना, हमारे जो औरत रहती है वो फिर मासूम किसी और चीज, मासूम ही है, वरना 2 ही होते हैं, चलाक होती तो मासूम। अब समझ में आया बेचारी। खैर कोई बात नहीं, अभी हम एक सेगमेंट करेंगे। अगर आपको इन जनाब को कोई राय देनी हो, वो क्या होगी? बिलाल भुट्टो लगे रहो। कहाँ, किस पर? मतलब पॉलिटिक्स में। ओके, हाँ। मरियम नवाज शरीफ, ये भी लगी रहे। सच बोलना शुरू कर दो। सच बोलना शुरू कर, वो सच नहीं बोलती यार। अब तुम जाके पता करो। कसम खुदा की नहीं, मैंने तो सिर्फ उनके वो फैशन फॉलो करती हूँ, बड़ी प्यारी डिजाइन पहनती। तो और पहनो, ये मशवरा, और अच्छे पहनो। इमरान खान, कीप इट अप। अभी तो उन्होंने कीप इट अप ही किया हुआ, हमारे सासे ही अप की हुई है। खान साहब को एक ही मशवरा है कि एक घर में एक बाप अगर ईमानदार और 4 बेटे चोर हो तो नहीं चलता है घर। तो चोर कौन है उनमें? अब छोड़ देना, वो अगर ईमानदार है, नीचे अगर सारे तबका ऐसे ही, तो क्या करेंगे? हाँ, मुझे लगता है अगर वो अच्छे हैं, इनकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है। भाई देखिए, आपने भी तो जमा किए हुए ना इधर उधर से लोग। मैंने क्या जमा किया? आपने नहीं, खान साहब ने जमा किया। तुम्हारे पास कौन जमा होगा? नहीं नहीं, मेरे कोई जमा नहीं किया। ये पैसे नहीं जमा करती बेचारी। आपस की बात, आपस की बात, चले जाते हैं। खैर, सलीम अफरीदी, सलीम अफरीदी को मशवरा है कि कॉमेडी में फोकस करे यार। कहाँ फोकस करता है वो? प्रोफेसर बन जाता कभी, डी फोकस हो जाता है। ओह माय गॉड। नसीम विकी, नसीम विकी उर्दू और अच्छी कर लो तुम। रऊफ लाला, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखा कर। हाय, हम भी बोलते हैं इनका, बड़ा बड़ी तेजी से। टिकटॉकर, उस्ताद बना लो, फलोगे फूलोगे। हाँ, नए आने वाले कॉमेडियंस को क्या मशवरा है? अगर टैलेंट है तो जरूर आओ, और नहीं कैसे है? पता चलता है टैलेंट है? कितना अंदर डालना पड़ता है? थर्मामीटर चेक करना। हाँ, थर्मामीटर चेक करना पड़ता है, इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, क्या करना पड़ता है? भाई आपके घर में शीशा है? हाँ। आप देखती हो अपने आप को? हाँ। मेकअप सही है नहीं है? हाँ, पता लग जाता है ना। बिल्कुल। तो अंदर एक जमीर भी होता है, पर बहुत सारे लोग की जमीर ही नहीं है। आजकल मसले ये है ना कि गलत फहमी भी बहुत है ना, खुश फहमी भी बहुत होती है। सही बात है। अभी हम आपके साथ खेलेंगे वन वर्ड दैट। मेरा हराम एक भी खेल खेला हो, बैठे बैठे खेल रही है ये। हाँ हाँ, मैं कोई और होता ना मेरे साथ ये बोल रहा था तो मैं खेल चुका हूँ तब तक। नहीं, अभी भी आप लिहाज कर, खेलो 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 खेलो, इतना ज्यादा आपको स्पेस दिए, खेलो। राखी सावंत, उसके बारे में वन वर्ड। इंडिया की मतीरा। तो इस्तग़फार, इस्तग़फार, क्या हो गया है? नहीं नहीं, मैं बताऊं, वो भी तुम्हारी तरह दिल की बहुत अच्छी है। कॉमेडी उसने मेरे साथ शुरू की है पहली, तो मुझे कहती गुरु जी। लेकिन उसकी कॉमेडी मुझे समझ में नहीं आती। अरे तो कॉमेडी नहीं लगती मुझे कॉमेडी। बहुत लोगों के, बहुत सारे को नहीं समझ में आती है, फिर भी चल रहे ना, तो उसको भी चलने दो। हाँ, ये वो वैसे ही चल रही है। खैर, सनी लियोनी, अच्छी लड़की है, बहुत
एहतराम करती है, मेरा बहुत इज्जत करती है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मीरा जी इंग्लिश बोलना छोड़ देना, कसम से उर्दू पे फोकस करो और जो आपकी मादरी लैंग्वेज है पंजाबी उस पर फोकस करो। हरीम शाह ताबीज देना शुरू कर दो तुम अब। जॉनी लिवर मेरा बेस्ट फ्रेंड। Okay, that's nice. सोशल मीडिया पर आप एक्टिव क्यों नहीं हो? ये मुझे पता नहीं क्यों टाइम का वेस्टेज लगता है। Really? वक्त का ज़िया। वक्त ज़ाया करना। आज के दौर में जो है ना, हाँ, हम जब छोटे थे ना, मतलब तुम भी एक जमाने में छोटी रहे, अभी तुम तो अभी भी छोटी हो। बिल्कुल। अभी तो तुम्हें पैदा होना, ये तो तुम ट्राई के तौर पे आई हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। औरतों को अगर उम्र पूछ लो ना तो नहीं, देखो 30 साल की हो गई है 30 साल से। थैंक यू सो मच अकील सर, आपका शुक्रिया। आप यूट्यूब पे आ गई हैं, आप पर मेरी दुआ है और मुझे पता है आप बहुत जल्दी आप मिलियन और ट्रिलियन में चली जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने खुदा को इन्वॉल्व कर लिया तो आपका चैनल ऊपर ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।